बहुत समय पहले की बात है, जंगल के बाहरी इलाके में एक तालाब हुआ करता था, जिसके अंदर एक खूंखार मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत ही कठोर और निर्दयी था। इसी जंगल में मगरमच्छ का सबसे एक अच्छा दोस्त था लोमड़ी। लोमड़ी आए दिन प्यासे जानवरों को अपने मीठे मीठे बातों में फंसा कर पानी पीने के लिए तालाब के पास भेजता था, ताकि मगरमच्छ उन सारे जानवरों का बड़े ही आसानी से शिकार कर सके और उसके बदले में लोमड़ी को भी खाने के लिए कुछ हिस्सा मिलता था। जो भी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास आते थे, मगरमच्छ उन्हें पकड़कर अपना शिकार बना देता था। अक्सर गर्मियों के मौसम में जंगल के अंदर पानी सूख जाने की वजह से सारे जानवरों को अपनी प्यास मिटाने के लिए उसी तालाब के पास ही जाना पड़ता था, और इसी का फायदा उठाकर वो मगरमच्छ उस बेजुबान जानवरों का शिकार करता था। और उसी जंगल में गौरी नाम का एक गाय अपने पति भोला के साथ रहती थी। गौरी और भोला दोनों बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। एक बार जंगल में ज्यादा गर्मी बढ़ जाने के वजह से जंगल का सारा पानी सूख गया। हे भगवान, इस गर्मी के वजह से गला सूखे जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? जंगल में किसी जगह पर पीने के लिए पानी भी तो नहीं है। अगर इस तरह से गर्मी बढ़ता रहा तो एक ना एक दिन हम जरूर मर जाएंगे। अरे नहीं जानू, गर्मी ठंड बारिश ये सब तो प्रकृति का नियम है। इन सब का आना जाना तो लगा रहता है। इन सब के वजह से ही तो हमारा जंगल सुरक्षित है। तुम घबराओ मत, मैं एक ऐसा जगह जानता हूँ जहाँ पर हमें पीने के लिए ढेर सारा पानी मिल जाएगा। अच्छा, हमारे जंगल में ऐसा भी जगह है? उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। मैं तो आज सुबह ही इस जंगल के सारा कोना कोना ढूंढ लिया, मगर कहीं पर भी मुझे पानी नहीं मिला। आपको कैसे पता चला कि इस जंगल में पानी है? अरे जानू, मुझे भी तो आज सुबह ही पता चला। आज सुबह सुबह लोमड़ी बहन जल्दी जल्दी जा रही थी। मैंने जब उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लोमड़ी बहन ने मुझे बताया कि इस जंगल की बाहरी इलाके में एक बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें ढेर सारा पानी है। क्या सच में? चलिए तो फिर हम जल्दी जल्दी उस तालाब के पास चलते हैं। प्यास के कारण मेरा गला सूखे जा रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो लगता है आज ही मेरा आखिरी दिन है। और इस तरह से गौरी और भोला दोनों मिलकर अपनी प्यास मिटाने के लिए जंगल के बाहर उस तालाब के पास चलने लगे। जब उन दोनों उस तालाब के पास पहुंचे तो उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे कई सारे जानवरों का हड्डियां पड़ा हुआ है, और दोनों समझ गए कि उस तालाब के अंदर ऐसा कुछ है जो सारे जानवरों को मार कर खा जाता है। मगर दोनों को प्यास भी बहुत ज्यादा लग रहा था। अगर पानी नहीं पिएंगे तो वैसे भी वो दोनों मर ही जाएंगे, और पानी के अंदर छुपकर मगरमच्छ भी इन दोनों का इंतजार कर रहा था कि कब वो दोनों पानी पीने के लिए अंदर आएंगे और वो उन दोनों को मारकर अपना भोजन बनाएगा। तभी भोला को एक तरकीब सूझा। उसने गौरी को कहा कि देखा जानू, लोमड़ी बहन सच कह रही थी, यहाँ पर कितना सारा पानी है। अगर अच्छा होता हम हमारे सारे के सारे बच्चे को यहाँ लेकर आते। सोचो, हमारे 20 बच्चे अगर इस तालाब को देखेंगे तो इस तालाब के अंदर ही डुबकी लगाएंगे। इस तालाब से कभी भी वो बाहर नहीं निकलेंगे। अपने पति की बातें गौरी समझ गई और उसके हाँ में हामी भरते हुए गौरी कहने लगी कि हाँ जानू, हमारे 20 बच्चे अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो इस तालाब से कभी भी वो बाहर नहीं निकलेंगे। मगर कोई बात नहीं, आज हम दोनों पानी पीकर जाते हैं, कल हमारे 20 बच्चे को यहाँ लेकर आएंगे, उन्हें भी तो पता चले इस तालाब में कितनी पानी है। उस तालाब के अंदर छुपकर मगरमच्छ उन दोनों का बातें सुन रहा था। मगरमच्छ सोचने लगा कि अगर आज मैं इन दोनों को जाने दूंगा तो कल ये दोनों अपने 20 बच्चे को यहाँ लेकर आएंगे। भले ही आज मैं भूखा रह जाऊंगा, मगर कल जब ये अपने 20 बच्चे को यहाँ लेकर आएंगे तभी मैं इनके 20 बच्चे का शिकार करूंगा। मुझे कई दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
ये सोचकर मगरमच्छ वहां से चला जाता है। जब पानी के अंदर हलचल हुआ तो भोला ने देखा कि एक बड़ा सा मगरमच्छ वहां से जा रहा था। भोला समझ गया कि मगरमच्छ उन दोनों की बातों में आकर वहां से चला गया। और इस तरह से गौरी और भोला अपनी चालाकी से मगरमच्छ को बेवकूफ बनाकर उस तालाब में आराम से पानी पीने लगे। दोनों ने जंगल में जाकर सारे जानवरों को कहने लगे कि उस तालाब के पास ना जाओ, वहां पर एक मगरमच्छ है जो सारे जानवरों को मारकर खा जाता है, जिसके वजह से कोई भी जानवर उस दिनों के बाद पानी पीने के लिए उस तालाब के पास नहीं गए। बहुत दिनों तक कोई भी जानवर उस तालाब के पास ना जाने के वजह से भूखा प्यासा मगरमच्छ के पेट में चूहे दौड़ने लगा। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत पक्की है। एक दिन मगरमच्छ अपने दोस्त लोमड़ी को अपने पास बुलाया और मौका देखते ही अपने जान बचाने के लिए उस लोमड़ी को ही मारकर खा गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अपनी चालाकी और चतुराई से हम कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, और जो दूसरों को धोखा देते हैं एक ना एक दिन उसी धोखे का शिकार वो खुद ही बन जाते हैं।